वो न्यूरो अनाटॉमी की कुछ चीज़ें करवाई थी। कल वाले लेक्चर्स में हमने न्यूरो फिजियोलॉजी, न्यूरो अनाटॉमी की। आज जो है हमारा पहला लेक्चर जो है वो न्यूरो फिजियोलॉजी का अभी जूम पे हम लोगों ने लिया है, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने आप सबको अवेलेबल कर दी है। सो दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ न्यूरोलॉजी एंड वी विल टॉक अबाउट न्यूरो अनाटॉमी। ठीक है, कल मैंने न्यूरो अनाटॉमी में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करवाई थी। मैंने आप लोगों को स्कल करवाया था, ठीक है, मैंने आप लोगों को जो है स्कल के अलावा जो है उसके फोरामेंस वगैरह साथ वो हेमरेजेस करवाए थे। हेमरेजेस के अलावा हम लोगों ने न्यूरो अनाटॉमी का क्या किया था कि डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हमने उसके टंग की नर्व सप्लाई, टंग की सारी चीज़ें की थी कि टंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर हमारा वो जो रफ्यूला का लेक्चर था उसमें आप लोगों को सारी वो ट्राइंगल्स ऑफ नेक वगैरह करवाएंगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को सेंसरी सप्लाई ऑफ फेस करवाई थी कल। ठीक है, उसमें ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व जो है उसका स्पेसिफिकली आप लोगों को बताया था। ठीक हो गया। सो ये वाली सारी चीज़ें हम लोगों ने कल क्रेनियल फोसास किए थे, ये हम लोगों ने कल जो है ना सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अच्छा, अब सर आई वुड लव टू स्टार्ट माई लेक्चर विद डैट थिंग जहाँ पे हमारी फिजियोलॉजी ख़त्म हुई थी। ठीक है, और फिजियोलॉजी हमारी कहाँ पे ख़त्म हुई थी? फिजियोलॉजी हमारी ख़त्म हुई थी सब अरेकनॉइड स्पेस में, क्योंकि वहाँ पे मैंने आप लोगों को फिजियोलॉजी में CSF का सारा वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड ऑल डैट हमने की थी। ठीक है, अब सर सब अरेकनॉइड स्पेस के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि सारा कुछ होता है, सर्कल ऑफ विल्लस कैसे बनेगा इसके बारे में हम देखते हैं कि ब्लड सप्लाई क्या होती है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्लीज मेरे साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल वो पढ़ें। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू बी इन्वॉल्व विद मी। ठीक है, टू इन्वॉल्व विद मी कि वट इज सर्कल ऑफ विल्लस। ठीक है, अच्छा कोई भी पूछे कि सर्कल ऑफ विल्लस क्या है, ठीक है, तो आपने कहना है जी ये ब्रेन की ब्लड सप्लाई का सर्कल बनता है, उसे कहते हैं सर्कल ऑफ विल्लस। क्या ये कंप्लीट सर्कल बनता है? नो, इट्स काइंड ऑफ हेक्सागोनल आर्टेरियल सर्कल। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? बेस ऑफ ब्रेन पे प्रेजेंट होता है ये। हेक्सागोनल आर्टेरियल सर्कल होता है और बेस ऑफ ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, किस किस तरह बनता है? जस्ट इन अ मिनट यू विल ईजिली रिमेंबर कि किस तरह बनता है। स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, इफ़ यू नो देन यू नो कि जो आर्च ऑफ एओर्टा होता है, वहाँ से क्या निकलती है? वहाँ से निकलती है कॉमन करोटिड। ठीक है, कॉमन करोटिड से क्या दोनों साइडों पे जो है, एक साइड पे डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा से निकलेगी, एक साइड पे कॉमन करोटिड सिर्फ निकलेगी उससे, फिर राइट ब्रेकियस वैलिक और राइट सबग्लेवियन, लेफ्ट ब्रेकियस वैलिक, लेफ्ट सबग्लेवियन। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिकली आ जानी है कॉमन करोटिड से राइट ब्रेकियस वैलिक, राइट सबग्लेवियन। ठीक है, अच्छा ये है ब्रेन, ये है हार्ट से काम शुरू हो रहा है। अच्छा, अब जब हार्ट से ये शुरू होता है ना तो आगे क्या होगा? जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है ना, उसके फर्स्ट पार्ट से आती है वर्टिब्रल आर्टरी। सो दो वर्टिब्रल आर्टरीज, ये दोनों साइडों की वर्टिब्रल आर्टरी थे। मेरे साथ साथ अगर पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगा। दो वर्टिब्रल आर्टरीज ऊपर जाती हैं और कन्वर्ज होके एक आर्टरी बनाती हैं, सिंगल आर्टरी, डेट इज़ कॉल्ड। और वो किस जगह पे बनाती हैं? एट द बेस ऑफ ब्रेन, तो उसे कहते हैं बेजिलर आर्टरी। सही है। सो इफ एनी वन आस्क यू कि हाउ बेजिलर आर्टरी फॉर्म्ड, आप लोगों ने कहना है जो हार्ट है ना, हार्ट से निकलती है सबक्लेवियन आर्टरी दोनों साइडों पे। जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो दोनों साइडों पे ऊपर जाती है, सबक्लेवियन आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है उसकी वर्टिब्रल आर्टरी को, दोनों साइडों पे ऊपर जाती है और वो मिल के बेस ऑफ ब्रेन पे बना देती है बेजिलर आर्टरी। डन सर, बेजिलर आर्टरी। ठीक हो गया। अभी जो भी है स्टूडेंट इधर, मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे साथ फिलहाल, आप लोग इस क्लास में इंटरेक्ट करें कि न्यूरो अनाटॉमी की क्लास है। पिछला जो भी था वो इतना ज़रूरी है कि हम उसको भूल के इस चीज़ को इग्नोर कर दें कि अच्छा यार उस क्लास में ये हो गया, उसमें ये हो गया। इस क्लास में आओ ना यार, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी फिलहाल बी विद मी, आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू लर्न विद मी। ठीक है,
अच्छा, वर्टिब्रल आर्टरीज मिलके बना देती हैं बेजलर आर्टरी। बेजलर आर्टरी जो होती है ना, वो दो दो ब्रांचेस, दो अपने छिलके यूँ देगी, जिस तरह केले के छिलके नहीं होते, वो दो ब्रांचेस अपनी यूँ देगी, दो ब्रांचेस अपनी यूँ देगी दोनों साइडों पे। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें क्या कहेंगे? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, वेरी इजी। जिस तरह वो बनी थी उस तरह वो ख़त्म हुई। बनी किस तरह थी? दो आर्टरीज के कन्वर्ज होने से, कन्वर्जेंट। ये एमसीक्यू है सीपीएसपी का, कन्वर्जेंट। कन्वर्ज होना होता है एक पॉइंट पे मिल जाना, कन्वर्जेंट। वर्टिब्रल आर्टरीज कन्वर्ज टू फॉर्म बेजलर आर्टरी, सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। और उसके बाद जब कन्वर्जन के बाद जो जब वो ख़त्म होती है तो वो होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट होता है फैल जाना। सो वो दो दो चीज़ों में डिवाइड हो जाएगी। वो जो दो चीज़ें जिनमें डिवाइड होती है उन्हें कहते हैं, जो दो आर्टरीज होती है उन्हें कहते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इजी वर्टिब्रल आर्टरीज, बेजलर आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, डन। वट नेक्स्ट सर। अब आप लोग खुद देख लें कि आज जो है मैंने जब जूम पे क्लास लिया तो वहाँ पे 100+ स्टूडेंट्स थे और यहाँ पे जो है वो कम स्टूडेंट्स हैं। इसीलिए मैंने यूट्यूब पे क्लास लेना छोड़ दिया था, क्योंकि लोग फिर इसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं कि बाद में करेंगे। सही है, एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ठीक है, अच्छा, बहरहाल वर्टिब्रल आर्टरीज, बेजलर आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अच्छा, ये बनता है बैक ऑफ द ब्रेन में। अच्छा, फिर फ्रंट ऑफ द ब्रेन में क्या बनेगा? ठीक है, तो बैक ऑफ द ब्रेन में ये बनेगा, फ्रंट ऑफ द ब्रेन पे क्या बनेगा? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। वो जो कॉमन कैरोटिड थी वो एक देती है एक्सटर्नल कैरोटिड, जो बाहर नेक वाली साइड पे रहती है, और एक होती है इंटरनल कैरोटिड जो ब्रेन के सब्सटेंस में चली जाती है। ये इंटरनल कैरोटिड जो होता है, उसमें क्या होगा, उससे दो निकलेंगी सेरिब्रल आर्टरीज। कौन कौन सी? इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी। सो इफ दिस इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी विल गिव दिस। ये क्या है? दिस इज मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ये मैंने अपने अंगूठे से क्यों शो किया मिडल सेरिब्रल आर्टरी? ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी। इट विल गिव दिस मिडल सेरिब्रल आर्टरी। इट विल नॉट टेक पार्ट इन सर्कल ऑफ विलर्स। ये इसलिए मैंने अपने अंगूठे से किया ठुट। इट विल नॉट टेक पार्ट इन सर्कल ऑफ विलर्स। एक ये ऊपर को एंटीना बनाएगी, उसे कहेंगे इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। सही है। अब आप लोगों ने सोचना है कि ये इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ये आगे बन रही है, पीछे जो है वो वर्टिब्रल आर्टरीज आई, उन्होंने मिलकर बना दी बेजलर आर्टरी, और वो आगे डाइवर्जेंट हुई और वो बन गई पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। सो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज ए टर्मिनल ब्रांच ऑफ बेजलर आर्टरी, जबकि इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड मिडल सेरिब्रल आर्टरी आर ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है वो सर्कल ऑफ विलर्स में टेक पार्ट नहीं करेगी, लेकिन जो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो सर्कल ऑफ विलर्स में टेक पार्ट करेगी। डन। वॉट नेक्स्ट? अगर ये माहौल बन गया ना, तो अब देखो, अब सिर्फ मैंने सर्कल ऑफ विलर्स को मिलाना है। अब देखो ये आगे वाला, पहले देखो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में थी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज आपस में मिलेंगी, दो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज आपस में मिलेंगी विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ए कॉम के साथ। सही है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी इज नॉट टेकिंग पार्ट, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ने ये बनाया। उसके बाद क्या रहेगी? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने मिलना है पीछे वाली पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज के साथ। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज किससे बन रही थी? बेजलर आर्टरीज के बनने से, बेजलर आर्टरी कैसे बन रही थी? वर्टिब्रल आर्टरी से। सो दो वर्टिब्रल आर्टरीज बेजलर आर्टरी, फिर बेजलर आर्टरी ने दे दी दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। सो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी विल मीट विद पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी विद द हेल्प ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पी कॉम। सो एक हेक्सागोनल सर्कल विल फॉर्म विच इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ विलर्स, या उसे क्या कहते हैं? काओ, गाय। सही है, सो दिस गाय इज इन ब्रेन, दिस काओ, COW, सर्कल, सी फॉर सर्कल, ओ फॉर ऑफ, और डब्ल्यू फॉर विलर्स, सर्कल ऑफ विलर्स। सो दिस काओ इज इन ब्रेन, आपके ब्रेन में क्या है? गाय है। सो दिस गाय इज इन योर ब्रेन। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि सर्कल ऑफ विलर्स कहाँ पे होता है? सब अरेग्नाइट स्पेस में होता है। किस किस के मिलने से बनता है? तो अनास्टमोसिस बिटवीन टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज एंड टू वर्टिब्रल आर्टरीज।
वर्टिब्रो बेजलर सिस्टम होता है पोस्टीरियर सिस्टम, और करोटिड सिस्टम होता है इंटीरियर सिस्टम। वर्टिब्रो बेजलर सिस्टम होता है पोस्टीरियर सिस्टम, करोटिड सिस्टम होता है इंटीरियर सिस्टम। मजा आया ठीक है डन सर। अब सर अगर कोई पूछे कि कौन कौन सी आर्टरीज टेक पार्ट करती हैं सर्कल अवेलस में, तो आप लोगों ने कहना है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग, पोस्टीरियर सेरिब्रल इंटीरियर सेरिब्रल और इंटरनल करोटेड आर्टरी। वेरी इजी डन। अच्छा ये तो हो गया सर्कल अवेलस, ठीक है, ये बहुत मतलब आसानी से हम लोगों ने सर्कल ऑफ विलस को समझ लिया। उसके बाद हम एनाटॉमी में, न्यूरो एनाटॉमी में आगे चलते हुए क्या पढ़ना चाहेंगे, मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहूँगा कवर्नस साइनस। व्हाट इज कवर्नस साइनस? कम विद मी। इफ दिस इज इमेजिन मैंने आप लोगों को ब्रेन के अंदर से निकाला साइनस, ब्रेन के अंदर से मैंने कवर्नस साइनस निकाल लिया। कवर्नस साइनस कहाँ पर होता है? वो पिट्यूटरी फोसा की साइड्स पे होता है। किस जगह पे? बॉडी ऑफ स्फीनॉइड बोन, सेला टर्शिका, ठीक है, पेड़ होते हैं पिट्यूटरी फोसा के दोनों साइड्स पे होते हैं कवर्नस साइनस, पेड़ होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, पेड़ होते हैं। कवर्नस साइनस एक साइड का मैंने बाहर निकाला, अच्छा कवर्नस साइनस मैंने एक साइड का बाहर निकाला, तो ये देखो ये सुराख है। सो दिस इज साइनस कवर्नस साइनस, ठीक है। अच्छा ये सुराख है ना, तो दिस इज कवर्नस साइनस की मीडियली क्या होगा? अब मैंने कहा ये लेटरल टू द पिट्यूटरी फोसा होते हैं, तो मीडियली क्या होगा? एक ये चीज़ जो है वो स्टॉक के साथ लगी है, उसके क्या कहेंगे? पिट्यूटरी स्टॉक। और पिट्यूटरी स्टॉक के ऊपर क्या होगा? पिट्यूटरी लगा होगा। सो जस्ट इमेजिन पिट्यूटरी एक फ्रूट है और वो अपनी टहनी के ऊपर लगा हुआ है। दिस फ्रूट इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी एंड उसकी टहनी इज कॉल्ड एज स्टॉक। सो पिट्यूटरी स्टॉक के साथ क्या होगा? पिट्यूटरी लगा हुआ होगा। सो कवर्नस साइनस, इफ दिस इज ब्रेन से मैंने निकाला साइनस, दिस इज कॉल्ड एज कवर्नस साइनस। सो कवर्नस साइनस की मीडियली क्या होगा? पिट्यूटरी। ठीक है, अच्छा पिट्यूटरी डन। अगर कवर्नस साइनस के मिडली होगा पिट्यूटरी, तो फिर नीचे क्या होगा? कवर्नस साइनस के नीचे क्या होगा? नीचे ये बोन है ना, तो जस्ट टेक योर इमेजिनेशन, दिस बोन इज कॉल्ड एज स्फीनॉइड बोन इन ब्रेन। सो कवर्नस साइनस के इन्फीरियरली होगा स्फीनॉइड बोन एंड स्फीनॉइड एयर साइनसेस, स्फीनॉइड बोन एंड स्फीनॉइड एयर साइनसेस। तो अगर पूछे कि कवर्नस साइनस के इन्फीरियरली क्या है, आप लोग कह रहे हैं स्फीनॉइड बोन और स्फीनॉइड एयर साइनसेस। कवर्नस साइनस के मिडली क्या है? तो पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी के लैटरली क्या है? तो कवर्नस साइनस। डन। उसके बाद क्या होगा? ये है ना पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी के ऊपर जो है ना एक जादू वाली चीज़ होती है। पिट्यूटरी के ऊपर क्या होता है? जादू वाली चीज़ होती है। ये मैं मैजिक कर रहा हूँ, दिस इज मैजिक। सर व्हाट इज दिस मैजिक? दिस मैजिक इज कॉल्ड एज क्याज्मा। ये बड़ी क्रिज्मेटिक सी चीज़ है, क्याज्मा, ऑप्टिक क्याज्मा। सो जो कवर्नस साइनस है उसके सुपीरियरली होगा ऑप्टिक क्याज्मा। और अगर ये ऑप्टिक क्याज्मा कंप्रेस हो जाए तो उसको कहते हैं बाई टेम्पोरल हेमनियनोप्सिया। डन सर। अच्छा इंटीरियरली क्या है? पिट्यूटरी के आगे मेरी आंख पड़ी हुई है, इंटीरियरली क्या पड़ी है? आंख में से एक नर्व निकलती है। दिस नर्व इज कॉल्ड एज ऑप्टिक नर्व। सो ऑप्टिक नर्व कम्स इंटीरियर टू दी कवर्नस साइनस। सो वेरी इजीली यू रिमेंबर कवर्नस साइनस। जब भी पेपर पे कवर्नस साइनस आएगा, आप लोगों ने बुक्स और डायग्राम्स नहीं देखनी, आप लोगों ने अपना हाथ यू करना है और आप लोगों ने देखना है कि कवर्नस साइनस के मिडली होता है पिट्यूटरी, कवर्नस साइनस के सुपीरियर होता है ऑप्टिक क्याज्मा, और इंटीरियरली सर ने आंख से नर्व निकाली थी तो इंटीरियरली होती है ऑप्टिक नर्व, और इंफीरियरली होता है स्फीनॉइड बोन और स्फीनॉइड एयर साइनस। वेरी इजी। ठीक है, तो ये एमसीक्यू आते हैं कवर्नस साइनस के। ठीक है, इजी, ठीक हो गया।
उसके बाद कवेरा साइनस हो गया हमारा। उसके बाद हम अगला टॉपिक जो है वो करेंगे थैलेमस। ठीक है, न्यूरो एनाटॉमी की क्लास चल रही है, वी विल डू थैलेमस टुडे। व्हाट इज थैलेमस? ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। थैलेमस यार, मैं ना थैलेमस बड़े ही आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, बड़े ही आसान तरीके से, मज़ेदार तरीके से। थैलेमस सारी की सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन का रिले सेंटर होता है। थैलेमस सारी की सारी सेंसरी, आप लोग देखे ना, अब आप लोगों को एनाटॉमी में मज़ा आ रहा होगा, फिजियोलॉजी में आप लोगों ने रोल ही बड़ा डाला हुआ था, सही है, मुझे खुद ही मज़ा आ रहा था पढ़ाने का। थैलेमस जो होता है, सारी की सारी असेंडिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन जो हमने कल पढ़ी थी, सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन, उन सब का रिले क्या होता है? थैलेमस एक्सेप्ट ऑल्फेक्शन, एक्सेप्ट ऑल्फेक्शन, ऑल्फेक्शन ये जो सूंघने वाली के अलावा ना सारी की सारी थैलेमस में रिले करती है। सर ऑल्फेक्शन नहीं करती तो ऑल्फेक्शन के बारे में और कौन से एमसीक्यूज आते हैं? ऑल्फेक्शन जो होती है इसके रैपिड अडॉप्टिव जो होती है ना सेंसरी सेंसेशन, वो कौन सी होती है? ऑल्फेक्शन। इसकी एग्जांपल मैं देता होता हूँ कि आजकल रोजे हैं तो अगर साथ वालों ने बिरयानी बनाई हो या साथ वाले घर में जो है वो बारबेक्यू बन रहा हो या साथ वाले घर में कोई अच्छी चीज़ बन रही हो तो उसकी सेंस, उसकी जो स्मेल है वो फौरन आ जाएगी। सो ऑल्फेक्शन है अ वेरी रैपिड अडॉप्टिव सेंसेशन। ठीक है, ओके, और इसका रिले नहीं होता थैलेमस में। अच्छा, उसके बाद जनाब थैलेमस के अंदर और कोई बात नहीं करने वाली, जस्ट उसके न्यूक्लियाई याद करने हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके न्यूक्लियाई कैसे याद करने हैं? इफ़ यू कैन इमेजिन थैलेमस इज़ नॉट थैलेमस, थैलेमस इज़ ए आलू। थैलेमस क्या है? आलू है, सही है। इधर माशाल्लाह बहुत सारी हाउस वाइफ भी हैं, बहुत सारे जो ऐसे लोग भी हैं जो घर के अंदर खुद जो है वो सब्जी काटते हैं। जस्ट इमेजिन थैलेमस इज़ ए आलू। आलू को हमारी जो ख़वातीन है वो तीन हिस्सों में काटेंगी। एक आलू का हिस्सा जो है अपनी साइड पे होगा, एक आलू का हिस्सा जो है वो दूसरी साइड पे होगा, और एक आलू का हिस्सा जो है वो बिल्कुल सामने होगा। सो अगर ये थैलेमस है और थैलेमस जो है वो आलू है, तो आलू का एक हिस्सा जो है वो दूसरी साइड पे, तो वो हो गया लैटरल। एक हिस्सा जो अपनी तरफ है वो हो गया मीडियल, और एक जो हिस्सा सामने नज़र आ रहा है वो है इंटीरियर। ठीक है, तो ख़वातीन ने आलू को काटा, आलू पे हैं तीन हिस्से, एक है लेटरल परली साइड पे, एक है अगली साइड पे इंटीरियर, और एक है मेरी वाली साइड पे जिसको काटा मीडियल। सो आप लोगों ने जो सामने नज़र आ रहा है उसको भी भूल जाना है, जो आपकी तरफ है उसको भी भूल जाना है, उसको साइड पे आपने कर दिया, सही, उसके आपने फ्राइज़ बना लेने, उसको साइड पे कर दिया। जो परे पड़ा है ना, जो लेटरल वाला है, उसको ज़रा दोबारा अपने पास लेके आओ और फिर दोबारा उसको जो है ना छुरी से काटो। सो जो लेटरल पड़ा था उसको दोबारा छुरी से काटा। नो वन, आई कैन बेट माई लाइफ ऑन डैट, नो वन विल टीच यू लाइक डैट। ठीक है, अब सुनते जाओ, आपने वो जो लेटरल हिस्सा था उसको दोबारा छुरी से काटा, क्योंकि वो परे पड़ा हुआ था, उसके छोटे चिप्स करने हैं, वो दूर है, तो उसको दोबारा आपने छुरी से काटा। एक उसका पार्ट बन गया वेंट्रल और एक उसका पार्ट बन गया डॉर्सल। ईजी, एक उसका पार्ट बन गया वेंट्रल और एक उसका पार्ट बन गया डॉर्सल। अच्छा, अब व्हाट अबाउट सर वेंट्रल, वेंट्रल का क्या हुआ? डॉर्सल वाले को भूल जाओ। अब वेंट्रल को मजीद आप लोगों ने जो वेंट्रल आगे नजर आ रहे हैं ना, अब आप लोगों ने आगे वाले को थोड़ा सा काटना है। डॉर्सल वाला ठीक कट गया, अब आप लोगों ने वेंट्रल वाले को काटना है। वेंट्रल वाले को आप लोगों ने काटा तीन हिस्सों में, वेंट्रल वाले को आप लोगों ने काटा तीन हिस्सों में। तो वो तीन हिस्से कौन कौन से हैं? वेंट्रल इंटीरियर, वेंट्रल पोस्टीरियर, वेंट्रल लेटरल। वो जो हम पढ़ते हैं वेंट्रल इंटीरियर, वेंट्रल लेटरल, वेंट्रल पोस्टीरियर, इनमें जो जिस पे फोकस करना है ना वो है वीआईपी विल बी फोकस्ड। वीपी जो होता है वेंट्रल पोस्टीरियर, वो मीडियल और लेटरल दोबारा डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं वीपीएम और वीपीएल। सर जिंदगी हो गई पढ़ते हुए, अभी तक ये समझ नहीं आई कि वीपीएल और वीपीएम कैसे बनते हैं। मैंने कहा आलू लिया, आलू को तीन हिस्सों में डिवाइड किया, एक हो गया आगे वाला हिस्सा इंटीरियर, एक हो गया मीडियल वाला हिस्सा, और एक हो गया लेटरल हिस्सा। अब आप लोगों ने लेटरल वाले हिस्से को देख लेना है। लेटरल वाला एक पीछे को चला गया डॉर्सल लेटरल, एक आगे को चला गया वेंट्रल लेटरल। वो जो वेंट्रल लेटरल है ना, वो फर्दर आगे डिवाइड हो गया
इंटीरियर और पोस्टीरियर सिंपल वेंट्रल लेटरल में, ठीक हो गया, इंटीरियर पोस्टीरियर सिंपल वेंट्रल लेटरल में, जो पोस्टीरियर था ना वो फर्दर आगे डिवाइड हो गया पोस्टीरो मीडियल और पोस्टीरो लेटरल में, डन। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट रहे कि किस तरह ये बनते हैं, ठीक है। ये अगर आप डॉक्टर नजीब की कोई 2 घंटे की थैलमस की वीडियो देखेंगे तो उसमें आप लोगों को समझ आएगा कि ये इस तरह बनते हैं, और फिर यू पीपल विल एबल टू, जिस जो मैंने 5 मिनट में आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अब सर होता क्या है, ये जो आलू होता है ना, ये जो आलू होता है इसकी दोनों साइडों पे जेनिकुलेट बॉडीज पड़ी होती हैं, सही है। आलू की दोनों साइडों पे क्या पड़ी होती है, जेनिकुलेट बॉडीज पड़ी होती हैं। एक होती है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, एक होती है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, एक होती है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और एक होती है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। ये मेटाथैलेमस के थोड़े से पार्ट्स हैं, बस इतना याद रखो। अच्छा, अब सर इस सारी स्टोरी जो मैंने सुनाई है ना, इसमें जो आप लोगों ने फोकस करना है ना वो स्टोरी का एंड है। मैंने कहा था VPM और VPL, हाँ जी, आलू के मीडियल और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो है वो आलू के जो है वो दो साइड्स कह लो, वट एवर यू लाइक, ठीक है। अच्छा, अब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे पहले फोकस करो। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल मीन्स, एल मीन्स लेटरल, एल मीन्स लाइट, तो विजन के लिए जो होगा वो होगा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, डन। L means lateral, L means light. Vision के लिए होगा lateral geniculate body. M means medial geniculate body. M means music. So hearing के लिए होगा, medial geniculate body. Very easy, done. Sir, what about VPM? और VPL जो वेंट्रो पोस्टीरो मीडियल और वेंट्रो पोस्टीरो लेटरल, जो वेंट्रो पोस्टीरियर के पार्ट थे और वेंट्रल जो है वो लेटरल का पार्ट था, यानी इंटीरियर मीडियल लेटरल में से, ठीक है। सो व्हाट अबाउट वेंट्रो पोस्टीरो मीडियल और वेंट्रो पोस्टीरो लेटरल? देखो, जो वेंट्रो पोस्टीरो लेटरल होगा ना, जो वेंट्रो पोस्टीरो लेटरल होगा, सही है, इसके नाम में ही इसका काम है, वेंट्रो पोस्टीरो लेटरल, VPL। V for vibration, P for pain, pressure or proprioception, और L for light, touch and temperature, done. V for vibration, P for pain, pressure, proprioception, और L for light, touch. तो अगर इस पर फोकस करें, ठीक है, तो इसमें pain, pressure, vibration, proprioception, light, touch, temperature, ये सारी sensations इसमें आ रही है, यानी main जो है वो VPL है, ठीक है। अब व्हाट अबाउट सर वेंट्रो पोस्टीरियो मीडियल, मीडियल का एम मींस मेकअप गोज ऑन द फेस, रफीउल्लाह पे बड़ा अच्छा नहीं बोलने का, मेकअप गोज ऑन द फेस, सो जो फेस सेंसेशन, और जुबान भी फेस में ही है ना, तो टेस्ट सेंसेशन के लिए होता है वेंट्रो पोस्टीरियो मीडियल न्यूक्लियस, डन, ईजी, सबको याद हो गए, थैलमस, रिले सेंटर, ऑल्फेक्शन, थैलमस की न्यूक्लिया, सबको याद हो गए, सर्कल ऑफ विलर सबको याद हो गया, डन। अब हम करते हैं हाइपोथैलमस की न्यूक्लिया, इसके साथ ही हम करेंगे हाइपोथैलमस की न्यूक्लिया, हाइपोथैलमस की न्यूक्लिया में क्या क्या होता है, हाइपोथैलमस जो होता है ना, इसके न्यूक्लियर में हम लोगों ने याद रखना है, पहले अपना फोकस करो जरा, किडनी पे। किडनी जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि एक होता है सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियर और एक होता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियर, इसमें ना दो ओ कभी इकट्ठे नहीं आते, जो सुपरा ऑप्टिक है वो ADH को सिंथेसाइज करता है ADH को, जबकि जो पैरा वेंट्रिकुलर है वो सिंथेसाइज करता है ऑक्सीटोसिन को। देखो, सुपरा ऑप्टिक में ओ है ना, तो दो ओ कभी इकट्ठे नहीं आएंगे, तो ऑक्सीटोसिन में भी ओ है तो ये इकट्ठे नहीं आ सकते, उधर आएगा ADH, ऑक्सीटोसिन में ओ है ना तो ये आएगा पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियर के साथ, सिंपल, दो ओ ओ अगर इकट्ठे करोगे तो वो लड़ाई हो जाएगी, सुपरा ऑप्टिक विद ADH, ऑक्सीटोसिन विद पैरा वेंट्रिकुलर, डन।
ठीक हो गया, डन, बिल्कुल ठीक है। हाँ, दो दो अगर रल गए तो फिर लड़ाई, इनको नहीं रलने देना। अच्छा, एक होता है जी इसका प्री ऑप्टिक न्यूक्लियर, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियर वो होता है जी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियर किसके लिए होता है? टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियर किसके लिए होता है? टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, डन। फिर एक इसका होता है जी लेटरल एरिया और एक होता है जी वेंट्रो मीडियल एरिया। अच्छा, इसको कैसे याद रखते हैं, इसको कैसे याद रखते हैं? जो लेटरल एरिया होगा ना, जो लेटरल एरिया है, आप लोगों ने जो भी अपने दोस्त, जो भी अपने दोस्त जो आप लोगों के खर्चे पे खाते हैं और बड़े भूखे होते हैं, उनको क्या करते हो? उनसे बचते हो, उनको अपने आप से लैटरली रखते हो, दूर रखते हो, ठीक है? यानी जिनका हंगर स्टिमुलेशन होता है, लैटरल एरिया में क्या होता है? हंगर स्टिमुलेशन, हमेशा भूखे लोग, भूखे लोग, हमेशा भूख लगी होती है हमें, सही है? तो मतलब वो आप लोगों के पास आएंगे, मैं मतलब हॉस्टल में रहता था तो मुझे याद है कि मेरे पास दोस्त आ जाते थे, कहते थे यार आज क्या खिला रहे हो, मतलब ना जान ना पहचान, बस आ जाने और कहना है कि यार आज क्या खिला रहे हो, मजबूरन कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता था। सो उन लोगों से बचना चाहिए। सो लेटरल एरिया में स्टिमुलेट होती है हंगर, हंगर, ठीक है, उन लोगों से बचना है। जबकि आप उन लोगों को करीब रखते हो जो आपसे खाते पीते नहीं हैं, ठीक है। इनहिबिट्स एपेटाइट, मीडियल वेंट्रोमीडियल इनहिबिट्स एपेटाइट, वेंट्रोमीडियल इनहिबिट्स एपेटाइट, डन। उसके अलावा आप लोगों ने क्या याद रखा है? ये जो लेटरल एरिया होता है ना, जो लेटरल एरिया होता है, ये स्टिमुलेट करता है हंगर को। तो इसको स्टिमुलेट करने वाली एक और चीज़ होती है, उसे कहते हैं ग्रेलिन, ग्रेलिन, ग्रेलिन स्टिमुलेट लैटरल एरिया। इसकी वजह से क्या होगा? जी फॉर ग्रेलिन, जी फॉर गेन्स एपेटाइट, जी फॉर ग्रेलिन, जी फॉर गेन्स एपेटाइट। जबकि जो लेप्टिन होता है, लेप्टिन होता है वो लैटरल एरिया को इनहिबिट करता है। लेप्टिन क्या करेगा? एल फॉर लेप्टिन, एल फॉर लोअर एपेटाइट, एल फॉर लेप्टिन, एल फॉर लोअर एपेटाइट। सो अगर ग्रेलिन की मैं बात करूं, हाँ जी ग्रेलिन की मैं बात करूं, तो ग्रेलिन विल मेक्स यू गेंडा, ग्रेलिन विल मेक्स यू गेंडा, ठीक है। ग्रेलिन जो है वो आपको मोटा कर देगा, यानी लेटरल एरिया इतना ज़्यादा ये स्टिमुलेट करता जाएगा तो आपको गेंडा बना देगा, मोटा बना देगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह। जबकि जो लेप्टिन है वो लोअर एपेटाइट, लोअर एपेटाइट वो आपको पतला कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो, क्योंकि वो लेटरल एरिया को इनहिबिट करता है, डन। वेंट्रो मीडियल न्यूक्लियस, ये भी इनहिबिट करता है एपेटाइट को, जस्ट लाइक लेप्टिन, ठीक है। लेकिन अगर वेंट्रो मीडियल न्यूक्लियस जो है, ठीक है, इसका जो है इनहिबिट्स एपेटाइट जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को एमसीक्यू में आ जाता है, लेकिन इसको आप लोगों ने कन्फ्यूज नहीं करना वो लेप्टिन और ग्रेलिन वाले के साथ। अच्छा, फिर इंटीरियर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस भी किया। अभी तक हमने कर लिया लैटरल एरिया, वेंट्रोमीडियल, दोनों को हमने याद रख लिया भूखे और खाना खाने वालों से। सुप्रो ऑप्टिक पैरावेंट्रिकुलर हम लोगों ने किडनी वाले ओ से याद रख लिया। फिर आ गया इंटीरियर हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। इंटीरियर हाइपोथैलेमस AC, इंटीरियर हाइपोथैलेमस इज फॉर कूलिंग, इंटीरियर हाइपोथैलेमस इज फॉर कूलिंग। लेकिन एक चीज जो है जिसने कूलिंग से स्टिमुलेट होना है, तो क्या उसको एक्टिवेट भी कूल करेगी? नो, वेन एवर देर इज एक्सेसिव गर्मी, वेन एवर देर इज एक्सेसिव गर्मी, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होगा, हॉट टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेट होगा, पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेट होगा, और पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेट होकर क्या करेगा, कूलिंग करवाएगा। तो ये किसका काम है? इंटीरियर हाइपोथैलेमस का। इंटीरियर हाइपोथैलेमस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, पैरासिम्पथेटिक वाला होता है, ठीक है, वो कूलिंग करवाता है, वो ठंड डालता है। AC, इंटीरियर इज फॉर कूलिंग, ठीक हो गया, सही हो गया, डन। आजकल जो मौसम है, आप लोगों ने याद रखना है कि आपके इंटीरियर हाइपोथैलेमस को काम करना चाहिए जितनी गर्मी आ रही है। जबकि पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होगा कि पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो हीटिंग के लिए होता है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, तो एक्टिवेट होगा जब कोल्ड टेम्परेचर होगा, कोल्ड टेम्परेचर होगा। यानी एक बंदा है जो सियाचिन ग्लेशियर में गया और बहुत ठंड लग रही थी, उसको शिवरिंग हो रही थी, उसमें क्या होगा, सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसको शिवरिंग करवाएगा, ठीक है,
और कोल्ड टेम्परेचर के थ्रू एक्टिवेट होगा, उसके हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा। उसके बाद आ गया जी स्लीप मेक्स यू क्रिज्मेटिक। स्लीप मेक्स यू क्रिज्मेटिक, जो नींद है वो आपको क्रिज्मेटिक बनाती है। ऑप्टिक क्याज्मा की नहीं बात हो रही, स्लीप मेक्स यू क्रिज्मेटिक। सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस जो है वो सिरकेडियन रिदम के लिए होगा। यू नीड स्लीप टू बी क्रिज्मेटिक ना, तो सिरकेडियन रिदम जो 24 आवर्स का रिदम होता है जिसमें स्लीप वेक साइकिल होता है उसके लिए होता है सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस। हाँ जी, अब मुझे बताएं आप लोगों को सर्कल ऑफ विलस मुश्किल लग रहा है? डेफिनेटली नहीं लगना चाहिए। थैलेमस के न्यूक्लियस मुश्किल लग रहे हैं? आलू नहीं लगने चाहिए। हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस मुश्किल लग रहे हैं? नहीं लगने चाहिए। डन, वेरी इजीली वी हैव कवर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द न्यूरो एनाटॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द न्यूरो एनाटॉमी। ठीक है, अच्छा व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, अब और हमें न्यूरो एनाटॉमी में क्या पढ़ना चाहिए? आई विल टीच यू गाइस स्ट्रोक्स, बिकॉज मैंने आप लोगों को सर्कल ऑफ विलस पढ़ाया है ना, सर्कल ऑफ विलस पढ़ाया है। नाउ आई विल टीच यू गाइस स्ट्रोक्स, वेरी इजीली यू कैन इजीली टारगेट स्ट्रोक्स नाउ। लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द स्ट्रोक्स आई वुड लव टू टेल यू गाइस कि कौन कौन सी नर्व्स होती हैं किस किस हिस्से में, कौन कौन सी नर्व्स होती हैं किस किस हिस्से में। तो जो ब्रेन स्टेम होता है उसके होते हैं तीन पार्ट्स। पहले इस बेस पे आओ, ब्रेन स्टेम जो होता है उसके होते हैं तीन पार्ट्स। जो समझ रहे हैं ना मुझे स्ट्रोक्स कभी नहीं आते, वो इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें। फिलहाल सोचो जो ब्रेन स्टेम है उसके होते हैं तीन पार्ट्स, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। नर्व्स कितनी है? 12। नर्व्स कितनी है? 12। अच्छा जी, अच्छा जी, प्लीज आप लोग मेरे पे थोड़ा सा फोकस करेंगे प्लीज। आई रियली वांट यू गाइस टू बी विद मी, सही? प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन। मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ये तीन ब्रेन स्टेम के पार्ट हैं। जो पहली और दूसरी नर्व होती है ना उसको बाहर निकाल दो, जो पहली और दूसरी नर्व होती है वो बाहर निकाल दो, क्योंकि पहली नर्व क्रिब्रिफॉर्म प्लेट पे होती है, दूसरी नर्व ऑप्टिक कैनाल पे होती है। डन, अब इनको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दो, ऊपर वाला हिस्सा, दरमियान वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाली दो नर्व जिसके साथ ही होंगी वो ऊपर माइनस हो गई। सो मिड ब्रेन में होगी थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व, जस्ट पहली दूसरी के अलावा तीसरी चौथी। अगली चार जो हैं पॉन्स के होते हैं, फोर लेटर्स, पॉन्स के कितने होते हैं? PONS, पॉन्स, फोर लेटर्स। तो अगली चार जो हैं वो पॉन्स के अंदर होंगी। वो कौन कौन सी हैं? तीन और चार मिड ब्रेन में, तो 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 वो होंगी पॉन्स में। नीचे क्या हो गया? मेडुला। तो मेडुला में क्या होगी? 9, 10 और 12। 11th जो होती है वो समवर्ड स्पाइनल कॉर्ड में होती है। ठीक है, डन, डन। अच्छा, अब होता क्या है? अब आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है। अभी मुझे आप लोग चैट बॉक्स में बताएं मिड ब्रेन में कौन कौन सी नर्व है, पॉन्स में कौन कौन सी नर्व है, मेडुला में कौन कौन सी नर्व है। प्लीज़ आई वांट दिस आंसर इन चैट बॉक्स। मिड ब्रेन में, पॉन्स में, मेडुला में कौन कौन सी नर्व्स हैं ये मुझे बताएं। मिड ब्रेन में थर्ड और फोर्थ, पॉन्स में 5, 6, 7, 8, मेडुला में 9, 10, 12। ये रट्टी होनी चाहिए बातें। ठीक है, अच्छा जी, अब मज़ा आएगा स्ट्रोक्स करने का, अब मज़ा आएगा स्ट्रोक्स करने का। ठीक है, अब मज़ा आएगा स्ट्रोक्स करने का। अच्छा, स्ट्रोक्स करते हैं। चलो पहले मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ थोड़ी सी स्ट्रोक्स की बेस। ठीक है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। ठीक है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। हम स्ट्रोक्स को शुरू करते हैं नीचे से शुरू करते हैं। स्ट्रोक्स को कहाँ से शुरू करते हैं? नीचे से शुरू करते हैं। तो मुझे बताएं कि नीचे कौन सी आर्टरी थी? वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरीज मिलके क्या बना रही थी? बेजलर आर्टरी। किस जगह पे बना रही थी? पॉन्स और मेडुला के जंक्शन पे, उसे कहते हैं पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन। ठीक है, पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन पे। ठीक हो गया, पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन पे।
दो वर्टिब्रल आर्टरीज आपस में मिलकर उन्होंने बताई बेजलर आर्टरी पॉन्टोमेटोरियल जंक्शन पर। अभी तक मैंने आप लोगों को सेरिबेलर आर्टरीज नहीं पढ़ाई, मैंने पहले पढ़ाई थी सेरिब्रल आर्टरीज, पोस्टीरियर सेरिब्रल, इंटीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल, सेरिब्रल पढ़ाई थी, सेरिबेलर नहीं पढ़ाई, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, अब होता क्या है कि जब वर्टिब्रल आर्टरीज आगे जा रही होती हैं और उन्होंने मिलके बनानी होती है बेजलर आर्टरी, बिफोर गिविंग बेजलर आर्टरी, बिफोर फॉर्मिंग बेजलर आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरीज विल गिव ए ब्रांच विच इज कॉल्ड एज, जो सेरिबेलम के इन्फीरियरली और पोस्टीरियरली पड़ी होती है उसे कहते हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ये सेरिबेलम बेली वाला ना, बेली वाला सेरिबेलम जो मोटा बैठा होता है, हमेशा याद रखना बेली वाला सेरिबेलम, ये बेली वाला सेरिबेलम जो मोटा बैठा होता है, तो जो बेली वाला सेरिबेलम जो मोटा बैठा होता है, तो जब वर्टिब्रल आर्टरीज मिल के बनानी होती है उन्होंने बेजलर आर्टरीज, बिफोर डैट वो सेरिबेलम के पीछे एक इन्फीरियरली एक ब्रांच दे देती हैं जिसे कहते हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरीज, और फिर वो बेजलर आर्टरी बनाती है और बेजलर आर्टरी सेरिबेलम के आगे चली जाती है और वो वहाँ जाती है, जाके देती है इंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सही हो गया, और वो ऑलमोस्ट पॉन्स के अराउंड देती है, पॉन्स के अंदर देती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि मेडुला के अंदर लैटरल साइड पे वर्टिब्रल आर्टरीज की ब्रांच निकलती है जिसे कहते हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। डन। अच्छा, फिर मेडुला के अंदर जो बेजलर आर्टरी है वो एक सेंट्रल ब्रांच भी देती है, उसे कहते हैं इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, उसे कहते हैं इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। आगे क्या होता है, आगे बेजलर आर्टरी बन गई। बेजलर आर्टरी ने पॉन्स के लैटरली, जिस तरह वर्टिब्रल आर्टरीज ने मेडुला के लैटरली दी थी ना पाइका, उस तरह बेजलर आर्टरी ने पॉन्स के लैटरली देनी है इंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी जिसे कहते हैं आइका। डन। अभी तक आप लोगों को कोई मसला, अभी तक अगर मैं कहूँ मेडुला के सेंटर में आर्टरी कौन सी है तो आप लोगों को पता है ना इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सेंटर में है। अगर मैं कहूँ मेडुला के लैटरल साइड पे कौन सी है तो पाइका। अगर मैं कहूँ पॉन्स के सेंटर में कौन सी है तो पॉन्स के सेंटर में है बेजलर आर्टरी या पैरामीडियल ब्रांचेस ऑफ बेजलर आर्टरी, ठीक है। और उसके लैटरली कौन सी है पॉन्स के, तो लैटरली है आइका, इंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, क्लियर। अच्छा, ऊपर आ जाता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में कौन सी ब्रांच देती है बेजलर आर्टरी, मिड ब्रेन के अंदर जो घुस जाती है बेजलर आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच। और बेजलर आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच क्या थी जहाँ पे वो डाइवर्ज हो जाती है, वो थी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक हो गया, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। डन। नाउ वेरी इजीली यू हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अच्छा, इफ़ यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना, तो इन योर लाइफ यू विल नेवर फॉरगेट सिंड्रोम्स, ठीक है। अच्छा, इससे भी पहले, अब ये पढ़ा दिया ना, ये बेस बन गई, इससे भी पहले चलो पहले आप देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ मीडियल साइड ऑफ मेडुला का सिंड्रोम होना है, उसमें कौन सी आर्टरी का स्ट्रोक होगा मीडियल साइड ऑफ मेडुला में, तो मीडियल साइड ऑफ मेडुला में कौन सी आर्टरी थी, बेजलर आर्टरी की सेंट्रल ब्रांच, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। डन। उसके बाद क्या था, लैटरल साइड ऑफ मेडुला का सिंड्रोम होना है, तो लैटरली मेडुला वाली साइड पे कौन सी आर्टरी थी, वर्टिब्रल आर्टरी की जो ब्रांच थी वो कौन सी थी, पाइका, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अगर मीडियल साइड ऑफ पॉन्स का सिंड्रोम होना है, तो मीडियल साइड ऑफ पॉन्स पे कौन सी आर्टरी थी, बेजलर आर्टरीज और उसकी पैरामीडियन ब्रांचेस, सो मीडियल पॉन्टाइन सिंड्रोम में बेजलर आर्टरी, और बेजलर आर्टरी कौन सी ब्रांच दे रही थी लैटरल पॉन्स पे, तो वो थी आइका, तो आइका लैटरल पॉन्टाइन सिंड्रोम में आइका। डन। उसके बाद आ गया मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन के अंदर कौन सी होगी, ब्रांचेज ऑफ पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो किसकी टर्मिनल ब्रांच है, बेजलर आर्टरी। डन विद दी आर्टरीज एंड स्ट्रोक्स। अच्छा, अब इनके फीचर्स कैसे याद रखने हैं, तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा
शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें याद रहेंगी, सारी की सारी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी कोई भी सिंड्रोम होगा, तो सब के अंदर लॉन्ग ट्रैक्स इन्वॉल्व होंगे। जब भी कोई सिंड्रोम होगा उसके अंदर क्या होंगे, लॉन्ग ट्रैक्स इन्वॉल्व होंगे। लॉन्ग ट्रैक्स कौन कौन से होते हैं? लॉन्ग ट्रैक्स होता है जी, लेटरली जो होता है वो स्पाइनोथैलेमिक होता है, और मिडली जो होता है वो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होता है, सही है। स्पाइनल थैलेमिक में क्या होगा, हमेशा कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, क्रूड टच एंड प्रेशर, क्योंकि स्पाइनल थैलेमिक भी दो तरह का होता है ना, आंट स्पाइनोथैलेमिक और लात स्पाइनोथैलेमिक, तो इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, ठीक है। सो क्रूड टच प्रेशर और पेन और टेम्परेचर, ये कॉन्ट्रालेटरल लॉस होगा हमेशा सारे सिंड्रोम्स में। और मिडली कॉर्टिको स्पाइनल होता है ना, तो कॉर्टिको स्पाइनल में फाइन स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट्स जो हैं वो लॉस होंगे, ठीक है। डैमेज इप्सिलेटरली होगा स्पाइनल थैलेमिक में, लेकिन कॉन्ट्रालेटरल लॉस होगा। अब तीन एक चीज आप लोगों ने लॉन्ग ट्रैक्स को डैमेज करवा देना सब में, फिर आप लोगों ने देखना है कि वहां पे आर्टेरियल सप्लाई कौन सी है, वो हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से सिंड्रोम में कौन कौन सी आर्टेरियल सप्लाई है। फिर आप लोगों ने देखना है कि वहां पे नर्व सप्लाई कौन सी है। मेरी पहली बात जब मैंने स्ट्रोक शुरू किया तो मुझे बताओ कि मिड ब्रेन का जो स्ट्रोक होगा, जो मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम है, मीडियल मिड ब्रेन सिंड्रोम है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी वाला, ऊपर से अब मैं शुरू कर रहा हूँ, उसके स्ट्रोक में कौन कौन सी नर्व होगी, तीसरी और चौथी, थर्ड और फोर्थ। तो क्या इप्सोलेटरल ऑक्लोमोटर नर्व में मैं कह सकता हूँ कि डायलेटेड प्यूपल्स और टोसिस होगा? तो बिल्कुल होगा, सही है। और उसके अलावा ड्रूपिंग ऑफ लोअर साइड ऑफ द माउथ, सही है, ब्लिंक रिफ्लेक्स जो है वो, और रिंकल ऑफ फोरहेड, ये सारी चीज़ें थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व का जो डैमेज है वो होता है मीडियल मिड ब्रेन सिंड्रोम, उसे कहते हैं वेबर सिंड्रोम, ठीक है। अब मिड ब्रेन के बाद आ जाओ पॉन्स में, तो पॉन्स में आ जाओ तो पॉन्स में नर्व्स कौन कौन सी थी, 5, 6, 7, 8। तो 5, 6, 7, 8 में आप लोगों ने याद रखना है कि जो मीडियल साइड पे होती है वो होती है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। मीडियल साइड पे कौन सी होती है, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व का दूसरा नाम क्या है, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व का दूसरा नाम क्या होता है, LR6, ठीक है, LR6, एब्ड्यूसेंट नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व, सही है, एब्ड्यूसेंट नर्व। सो मीडियल साइड पे होती है एब्ड्यूसेंट नर्व। सो मीडियल पॉन्टाइन सिंड्रोम के अंदर एब्ड्यूसेंट नर्व डैमेज होगी, और इसमें क्या होगा कि इसमें जो है वो मीडियल स्टेबिस्मस होता है, डन। उसके बाद आ जाता है पाँचवीं सातवीं और आठवीं, सिक्स तो इसमें होगी, वो होती है लेटरल पॉन्टाइन सिंड्रोम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेटरल पॉन्टाइन सिंड्रोम, जिसमें आइका इंटीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी आती है। तो अगर 5, 7 और 8 नर्व डैमेज हो रही है तो क्या होगा, 5, 7 और 8 नर्व डैमेज हो रही है तो क्या होगा, कॉक्लियर न्यूक्लियस, इप्सिलेटरल हेयरिंग लॉस होगा, वेस्टिबुलो कॉक्लियर डैमेज हो गई, सही हो गया, हेयरिंग लॉस होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा कि इप्सिलेटर फेशियल पैरालिसिस होगा, फेशियल नर्व डैमेज हो रही है, फेशियल पैरालिसिस होगा, वर्टिगो, नोजिया, निस्टेगमस, वेस्टिबुलो कॉक्लियर की वजह से, डन। इफ यू नो द नर्व्स ना, तो यू कैन इजीली टैकल के विच इज द सिंड्रोम। इफ यू नो द आर्टरीज अरेंजमेंट ना, तो यू कैन इजीली टैकल के कौन से सिंड्रोम में कौन सी आर्टरी है, ठीक है। अच्छा, और लॉन्ग ट्रैक्स तो सब में ही आ रहे हैं, वो तो कॉमन है, ठीक है। आज से पहले आप लोगों ने स्ट्रोक्स ऐसे नहीं पढ़े होंगे, डन। उसके बाद आ गया जी मीडियल पॉन्टाइन सिंड्रोम, वो भी हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद आ गया जी मेडुला। मेडुला में अगर मैं सेंटर पे बात करूँ तो वो होता है इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। और इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में हम लोगों ने क्या याद रखना है, मेडुला के अंदर जो है वो कौन कौन सी नर्व थी, 9, 10 और 12। तो जो 12th नर्व है वो मीडियल साइड पे पड़ी होगी, सही है। सो पॉन्स के अंदर 6th नर्व मीडियल साइड पे होती है, मेडुला के अंदर 12th नर्व मीडियल साइड पे होती है। 6 और 12 का निमोनिक याद रखना, 6, 12 आर इन मीडियन, 6 + 6 = 12 ना, तो 6, 12 आर इन मीडियन। छिक्का और 12, छिक्का और 2 छिक्का, ये मीडियल साइड पे होता है। 6 और 2 6, ये मीडियल साइड पे होगा। सो मीडियल पॉन्स 6th क्रेनियल नर्व, मीडियल मेडुला 12th क्रेनियल नर्व, डन। सो अगर 12th क्रेनियल नर्व डैमेज होगी इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इप्सिलेटरल फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ द टंग, टंग टुवर्ड्स। सो मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम के अंदर टंग जो है वो टुवर्ड्स, यानी जिस साइड का लॉस होगा, टंग हमेशा उसी साइड की लॉस होगी। सो इप्सिलेटरल टंग पैरालिसिस टुवर्ड्स द साइड ऑफ लियन,
तो वो जब भी आएगा तो आप लोगों ने इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी लगाना है क्योंकि उसके सेंटर में पड़ी होती है हाइपोग्लॉसल नर्व। डन। अच्छा, व्हाट इज लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम? तो लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम लैटरल साइड ऑफ मेडुला पे होती है पाइका, और इधर होगी 9th और 10th नर्व। तो पाइकाच्यू, पिकाचू नहीं पढ़ते रे, पिकाच्यू, च्यूइंग का मसला, क्योंकि च्यूइंग के लिए कौन सी नर्व होगी, उसके लिए 9th और 10th क्रेनियल नर्व्स ही होती है ना, स्पेसिफिकली वागस नर्व और ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। तो इप्सिलैटरल पैरालिसिस ऑफ लैरिंग्स, फेरिंग्स, पैलेट, डिसआर्थ्रिया, डिस्पेजिया, लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स, तो ये जब भी होंगे तो उसमें क्या होगा, पाइका, पाइका, और वो कौन सा होता है, लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम, और इसको कहते हैं वेलनबर्ग सिंड्रोम। हाँ जी, प्लीज टेल मी कि आप सब ने एंजॉय किए हैं सिंड्रोम्स, प्लीज टेल मी कि आप सब ने एंजॉय किए हैं सिंड्रोम्स, मजा आया। चलो, इसके साथ ही मैं आप लोगों को जस्ट एक लाइन में, जस्ट एक लाइन में, ये थे सेरिबेलम वाली चीजें, सेरिब्रल आर्टरीज के स्ट्रोक भी करवाने लगा हूं, सेरिब्रल आर्टरीज के स्ट्रोक भी करवाने लगा हूं, सेरिब्रल आर्टरीज के, क्योंकि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में हमने देखा ना कि थर्ड नर्व होती है। आप लोगों ने याद रखना है कि जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है ना, जो मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, जो मीडियल मिड ब्रेन सिंड्रोम होता है, जो मीडियल मिड ब्रेन सिंड्रोम होता है, जिसे वेबर सिंड्रोम भी कहते हैं, मैं हूँ बड़ा गरीब आदमी, एनक लगी हुई है, तो मेरी एनक एक साइड की टूटी हुई है, तो ये बन गया पी, तो ये बन गया पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। सो आंखों पे एनक लगी थी ना, तो आंखों का मसला किसमें होगा, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के स्ट्रोक में। इसको क्या कहते हैं, मीडियल मिड ब्रेन या वेबर सिंड्रोम, मीडियल मिड ब्रेन या वेबर सिंड्रोम। सो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के स्ट्रोक में क्या होगा, कॉन्ट्रालैटरल हेमियनोपिया विद मैकुलर स्पेरिंग, और साथ ही साथ लैटरल स्ट्रैबिस्मस और ऑक्लोमोटर का डैमेज और लोअर फेस का डैमेज होगा, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। पी, दिस पी स्टैंड्स फॉर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी स्ट्रोक, एंड दिस इज कॉल्ड मीडियल मिड ब्रेन सिंड्रोम, वेबर सिंड्रोम। डन। ए, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, अब मैं सेरिब्रल आर्टरी की अलग से बात कर रहा हूँ। सो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में बेसिकली क्या होगा, दो टांगे हैं, जब भी लोअर लेग का पैरालिसिस होगा तो उसमें होगा इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अच्छा, फिर आ जाता है मिडल सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच थी, जो सर्कल ऑफ विलस में टेक पार्ट नहीं कर रही थी, तो जो सर्कल ऑफ विलस में टेक पार्ट नहीं करती, जिसको दिल दम, जो जिसको दिमाग में वो जगह नहीं देता, तो वो कहाँ जाती है, वो दिल में बैठ जाती है। सो एम फॉर मिडल सेरिब्रल आर्टरी, एम फॉर मेरा दिल, एम फॉर मिडल सेरिब्रल आर्टरी, एम फॉर मेरा दिल, जिसको दिमाग जगह नहीं देता वो चीज़ दिल में बैठ जाती है, तो एम फॉर मिडल सेरिब्रल आर्टरी, एम फॉर मेरा दिल। तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक जो होगा उसमें बेसिकली क्या होगा, उसमें दिल के इर्द गिर्द क्या होते हैं, अपर लिम्ब, तो उसमें लिम्ब्स का पैरालिसिस होगा, अपर लिम्ब का पैरालिसिस होगा, और एम फॉर मिडल सेरिब्रल आर्टरी और एम फॉर मेरा माउथ, तो जो माउथ की सेंसेशन लॉस होगी वो भी किसमें होगी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी के स्ट्रोक में। डन विद एवरीथिंग सर, डन विद ऑल द स्ट्रोक, सेरिबेलर आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी, सर्कल ऑफ विलस, सिंड्रोम्स एंड हाउ थिंग्स हैपन, डन विद थैलेमस, डन विद हाइपोथैलेमस, इजी, इजी, डन, डन सर, डन सर, डन सर, ओके, ओके, ओके। नाउ आई विल टीच यू गाइज मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, ठीक है, नाउ आई विल टीच यू गाइज मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन हम करना चाहेंगे, ठीक हो गया, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, मसल डोमेस्टिकेशन में कैसे याद रखना है आप लोगों ने, तो इसमें आप लोगों को ना बेसिकली क्या पता होना चाहिए मसल डोमेस्टिकेशन के अंदर, कि कौन कौन से मसल्स होते हैं और क्या क्या ये करते हैं। अब आप लोगों ने ना इनका ओरिजिन और इंसर्शन याद रखना है, आप लोगों को स्ट्रोक्स में मज़ा आया ना, ठीक है, आप लोगों ने इन्जॉय किए होंगे स्ट्रोक्स को, इसकी प्रैक्टिस करनी है वरना ये भूल जाएगा स्ट्रोक्स, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर कर दिया, ठीक। अच्छा, अब जनाब मैं मसल्स ना अपने मुंह के ऊपर मसल डोमेस्टिकेशन बना के, ठीक है, स्पेसिफिकली डेंटिस्ट्री वाले जरा गौर से देखें, आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को। ये साइड है मेरी, इस तरह एक फैन लाइक मसल पड़ा होता है, एक फैन लाइक मसल पड़ा होता है टेम्पल पे, उसे कहते हैं टेम्पोरेलिस, और ये देखें ये फैन कहाँ से शुरू हो रहा है, कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल से टेम्पल तक जो जा रहा है वो होता है टेम्पोरेलिस, 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 ये पड़ा है टेम्पोरेलिस, ठीक है, टेम्पोरेलिस,
ये टेम्पोरेलिस पढ़ा। टेम्पोरेलिस ने क्या करना है, टेम्पोरेलिस ने क्या करना है, जब भी टेम्पोरेलिस मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब भी टेम्पोरेलिस की कॉन्ट्रैक्शन होगी, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगा, आप लोगों ने वार करना है, ये फैन लाइक है, फैन का होता है, फैन का होता है ऊपर पड़ा होता है ना, तो इसने क्या करना है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो देर विल बी एलिवेशन ऑफ द जॉ, देर विल बी रिट्रैक्शन, देर विल बी एलिवेशन ऑफ द जॉ, फोकस करें ना, मैं आप लोगों को अपने बॉडी के ऊपर बता रहा हूँ टेम्पोरेलिस क्या है, सही है। सो देर विल बी एलिवेशन ऑफ द जॉ, प्लीज गिव मी टू मिनट्स प्लीज, एलिवेशन ऑफ द जॉ एंड देर विल बी रिट्रैक्शन। सो ये एलिवेट भी करेगा और रिट्रैक्ट भी करेगा। अगर कोई पूछे कि विच मसल इज ओनली रिट्रैक्टर, तो टेम्पोरेलिस, सही है सर। आप लोगों को मैं ओरिजिनल लेटर जो है वो बॉडी के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये है टेम्पोरेलिस, ऊपर भी करता है और पीछे भी करता है, ये अंगूठा पीछे की तरफ, पीछे भी करता है और ऊपर भी करता है, ये टेम्पोरेलिस है, फैन लाइक मसल, ऊपर भी और पीछे भी, रिट्रैक्शन और एलिवेशन, डन रिट्रैक्शन और एलिवेशन। अगर मैं माउथ मैंने खोला हुआ है, इसको एलिवेट करना है और माउथ को क्लोज करना है, तो कौन आएगा, टेम्पोरेलिस, मुंह खोला है ना, अब मैंने एलिवेट करना है और इसको पीछे की तरफ करना है, डन बाय टेम्पोरेलिस। सो टेम्पोरेलिस क्लोजेस द माउथ, ठीक है, अच्छा, लेकिन मेन इसका काम है रिडायरेक्शन, ठीक है, मेन टेम्पोरेलिस का क्या काम है, रिडायरेक्शन और एलिवेशन, मेन इसका ये काम है, लेकिन क्लोज भी थोड़ा बहुत करता है, ज्यादा नहीं, मेन क्लोजर ऑफ माउथ इज डन बाय मैसेटर, मेन क्लोजर ऑफ माउथ इज डन बाय मैसेटर। अच्छा मैसेटर कहाँ पे होगा, मैसेटर एग्जैक्ट इस जगह पे होगा, ये मैसेटर है, दिस ये मैसेटर, सही है। सो व्हेन यू से एम यू क्लोज योर माउथ, एम यू क्लोज योर माउथ, अगर कोई भी पूछे व्हेन यू से एम यू क्लोज योर माउथ, सो माउथ क्लोजर के लिए क्या होगा, मैसेटर, डन, यहाँ पे होता है, बिल्कुल नीचे, जो बिल्कुल नीचे होगा वो क्या होगा, मैसेटर होगा, सही हो गया। तो ये क्या करेगा, क्लोजर ऑफ माउथ, उसके अलावा ये क्या करता है, थोड़ा सा ये माउथ को ऊपर भी लेके जाता है, एलिवेशन भी करवाता है और ये रिट्रैक्शन की जगह प्रोट्रैक्शन करवाता है, प्रोट्रैक्शन। आई एम टीचिंग ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट फॉर डेंटिस्ट्री कैंडिडेट शू, ठीक है। अच्छा फिर तीसरा होता है मीडियल टेरिगॉयड, मैसेटर के बिल्कुल नीचे, अगर ये मैसेटर को मैं हटाऊं तो नीचे होगा मीडियल टेरिगॉयड और उसके बिल्कुल ऊपर एक इस तरह करके मसल पड़ा होता है, वो होता है लैटरल टेरिगॉयड। अच्छा मीडियल टेरिगॉयड का काम क्या होता है और लैटरल टेरिगॉयड का काम क्या होता है, व्हेन यू से एल यू ओपन योर माउथ, व्हेन यू से एल, तो जब एल ओपन योर माउथ, तो ये जो ऊपर कैंची है ये ओपन करती है माउथ को, एल, सही है, इट विल ओपन द माउथ। सो लैटरल टेरिगॉयड इज द माउथ ओपनर, सही है, और मीडियल टेरिगॉयड जो है वो भी माउथ को क्लोज ही करवाएगा, जस्ट लाइक मैसेटर, क्योंकि मैसेटर के बिल्कुल नीचे पड़ा है। ठीक हो गया। अच्छा जो लैटरल टेरिगॉयड होता है उसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लैटरल टेरिगॉयड की। ये लैटरल टेरिगॉयड टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में इन्वॉल्व कौन सा होता है, लैटरल टेरिगॉयड, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में कौन इन्वॉल्व होता है, लैटरल टेरिगॉयड, ये लैटरल टेरिगॉयड है। अच्छा डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल कौन करवाता है, लैटरल टेरिगॉयड, ओके। ओपनर माउथ का कौन सा है, लैटरल टेरिगॉयड। ऑल ऑफ द एमसीक्यूज, जब भी टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट आ जाए, जब भी डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल आ जाए, जब भी ओपनिंग ऑफ माउथ आ जाए, तो लैटरल टेरिगॉयड, डन विद ऑल द मसल्स है, सही है। और सारे मसल्स को नर्व सप्लाई होती है, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और ये सारे जो है ड्राइव होते हैं फर्स्ट ब्रैंकियल आर्ट से, डन। आई होप यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट वे, इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे, और आई होप दिस लेक्चर वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। और मैं इस लेक्चर को जो है वो फिलहाल थोड़ी देर के लिए अवेलेबल रखूँगा, उसके बाद मैं ऑन डिमांड दूंगा, इस लेक्चर को मैं डिलीट नहीं करूँगा, इसको मैं ऑन डिमांड रखूँगा, कि जो मेरे सेशन के लोग हैं अगर उनको असेस चाहिए तो मैं इनको प्राइवेट कर दूंगा, उनको मैं असेस दे दूंगा इस लेक्चर की, ठीक है। अभी तक ये लेक्चर सबके लिए फ्री था, लेकिन अभी कुछ देर मैं फ्री रखूँगा, एक दो घंटे, तीन घंटे,
उसके बाद मैं ऑन डिमांड जो है आप लोगों को दूंगा। आप लोग जो मेरे सेशन वाले हैं वो बेफिक्र रहें, उनको मिल जाएगा, ठीक है। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो और अल्लाह आप सबको कामयाब करे। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू पीपल। अगर हेल्पफुल था तो डू कमेंट, डू लाइक, ठीक है। इट इज़ मस्ट, ठीक है। और कमेंट्स लाजमी करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का मैंने टाइम वेस्ट तो नहीं किया। अब अफ्तारी का टाइम हो रहा है, ठीक है, इजाज़त दें मुझे, मैंने भी अफ्तारी करनी है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। जज़ाक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।